और उसको लोगों को निकाला। उसके बाद 40 मिनट के बाद चंडीगढ़ पुलिस हाँ वो सुरक्षित ठीक है उन्होंने अस्पताल भेजा अभी खुद कटे मैं खुद चंडीगढ़ के सेक्टर 26 चौक के पास मध्य मार्ग पर आज भारतीय रिजर्व बैंक के दो ट्रकों में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें पिछले ट्रक में सामने वाली सीट पर सुरक्षा के मद्देनजर बैठी महिला कांस्टेबल बबीता क्षतिग्रस्त हुए ट्रक के बीच में घंटों फंसी रही। लोगों का कहना है कि पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना देने के करीब 40 मिनट बाद पहुंचे दमकल विभाग की टीम, पुलिस टीम, एम्बुलेंस सहित ट्रैफिक जवानों ने पहुंचकर बचाव कार्य जारी किया। घंटों कड़ी मशक्कत करने के बाद क्रेन की मदद से लोहे को तोड़कर महिला कांस्टेबल को बाहर निकाला गया। एम्बुलेंस की मदद से महिला कांस्टेबल को पीजीआई में भर्ती करवाया गया, जहां महिला कांस्टेबल का इलाज जारी है। वहीं घटना स्थल पर पहुंचे एसपी सिटी केतन बंसल ने बताया कि जैसे ही पुलिस टीम को इस विषय में जानकारी मिली, पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। देखा ये दो गाड़ियां ठहर गई, दो ये पांच गाड़ियां थी, एक साथ पांच गाड़ियां थी। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे अगली गाड़ी जो अगली गाड़ी थी वहाँ पे लोगों ने, मैं भी था, लोगों ने स्ट्रगल करके और उसको लोगों को निकाला। उसके बाद 40 मिनट के बाद चंडीगढ़ पुलिस आई है सर। टोटल कितने लोग थे इसमें? गाड़ी में दो गाड़ी में इसमें दो लोग थे, एक लेडीज कांस्टेबल थी और ड्राइवर था। और बड़ी मुश्किल से लोगों को इसको निकाला और 40 मिनट के बाद पुलिस आई है सर यहाँ पे। और दो अगली गड्डी तो कटे, दो हाँ वो सुरक्षित थी, उन्होंने अस्पताल भेजा अभी खुद कटे मैं खुद ड्राइवर ड्राइवर सट लगी उन्होंने हॉस्पिटल लगे। अगली गड्डी तो अच्छी कर ले पर इतने नहीं कट भाई, मगर 40 मिनट तो बाद ये थे पौने घंटे बाद ये पैसे ट्रेन आई है, पौने घंटे बाद इतने पुलिस आई है।